नमस्कार साथियों, आज मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा कि आपका माइंड सोचने पे मजबूर होगा, क्योंकि आप लोगों का 99% क्वेश्चन ये होता है फ्लाइटें केरला क्यों जा रही हैं, सरकार क्या चाहती है, सब फ्लाइटें उधर क्यों जा रही हैं, हमारे स्टेट में फ्लाइटें क्यों नहीं आ रही है। तो इसका तो रीज़न सीधा सा ही है साथियों कि आपकी सरकारें एक्टिव नहीं हैं, वो इस पे ध्यान नहीं दे रही आप लोगों पे, ठीक है। इस वजह से सबकी सब आप लोगों को फ्लाइटें नहीं मिल पा रही हैं, केरला की सरकार इस पे ध्यान दे रही है तो इस वजह से उधर फ्लाइटें ज़्यादा जा रही हैं। 6 टॉपिक में ऐसे बताऊंगा कि आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि केरला फ्लाइटें क्यों जा रही है। इसको वंदे भारत मिशन की बजाय केरला मिशन बोल दें तो भी कोई ज़्यादा गुनाह नहीं होगा। खासतौर से गल्फ कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, यूरोपीय कंट्री में ठीक है दिल्ली सबसे ज़्यादा फ्लाइटें आ रही हैं, ठीक ठाक आ रही हैं, लेकिन गल्फ कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा केरला की फ्लाइटें आ रही हैं, ठीक है। और इसका रीज़न क्या है 6 पॉइंटों के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा और जेन्युइन पॉइंट है, आपको खुद को एहसास हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें, फेसबुक पेज वाले पे फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहां पे मिलती रहे। सबसे पहला पॉइंट देख लीजिए, सुन लीजिए, क्योंकि भाई जिनके पास वोट ज़्यादा होते हैं ताकत उनकी ज़्यादा होती है, ये बात आप मानते हो। बता दूं कि आप जैसे 100 आदमी हो ना, जैसे 100 आदमी हो उनमें से 70 आदमी आपको केरला के मिलेंगे, यानी 70% लोग केरला के हैं। गल्फ कंट्रीज में या सब जगह आप जाओगे केरला के लोग दिखाई देंगे। इसका रीज़न क्या है, 1947 में देश आज़ाद हुआ था सबको पता है, उसके बाद में 1970 से केरला के लोग विदेशों में जाना स्टार्ट हो गए थे। जी हाँ साथियों, 1970 की साल से, यानी केरला वालों को आज जाते हुए 50 साल हो गए विदेशों में। और आपने आज से 10-20 साल पहले तो अपने को पता ही नहीं था कि विदेश क्या है। लगभग 1990 के बाद में हमारा और इंडिया है, हमारे राजस्थानी और लोग जाने स्टार्ट हुए थे, यानी उनसे 20 साल हम पीछे चल रहे हैं। सेकंड बात, एजुकेशन की बात कर लें भाई, केरला के सबसे ज़्यादा इंडिया में साक्षरता दर कहाँ है, केरला में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। और पढ़ा लिखा लोग होते हैं ना भाई, वो अपना दिमाग अपने तरीके से निकाल के एडजस्टमेंट कर लेते हैं, ये आपको इफेक्ट है और इस बात को आपको मानना पड़ेगा। जी हाँ, तीसरी बता दूँ कि 70% लोग रहते हैं केरला के, इसका मतलब वोटिंग, उनका वोटिंग कितना महत्व रखता है, उनका वोट सरकार के लिए कितना इम्पोर्टेंट आप समझ सकते हैं। केरला सरकार के लिए विदेशों का वोट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर 3 घर में से 1 या 2 आदमी विदेश रहते हैं। जी हाँ, यानी हर, ये 3 मकान है ना, इनमें से हर दूसरा आदमी विदेश रहता है। आप समझ सकते हैं कितनी पॉपुलेशन विदेश रहती है। अगर सरकार उन पर ध्यान नहीं दे तो हो सकता है उनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है जनता की बेरुखी से या फिर उनकी लापरवाही होने की वजह से। तो सरकार उनका सबसे ज़्यादा ध्यान रखती है, क्योंकि एक तो भाई देखिए पॉलिटिक्स में यही होता है, जिनके पास वोट ज़्यादा है उनकी लोग इज्जत करते हैं, ये बात आप यहाँ पे बिठा के रखें। बाकी आप अपने अपने स्टेट के आप देख लीजिए आप कितने को, वहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता सरकारों को कि आप उनको वोट देंगे नहीं देंगे, आप कितने नारेबाजी करो उनको फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो दूसरा पॉइंट मैंने आपको बता दिया। दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड मैं बता दूं साथियों, आपने कहीं देखा होगा सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन केरला सरकार की मिलेगी, ये नोट कर लीजिए, केरला मिशन, केरला ऑर्गेनाइजेशन, केरला मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह से कितनी केरला आपको एक्टिविस्ट मिलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन मिलेंगी, मानव सेवा संस्थान मिलेंगी जो वहाँ पे एक्टिव हैं और वो लोग उनसे जुड़े हुए हैं और वो अपने लोगों की हेल्प करते हैं किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होने के लिए। जी हाँ, तो वो उनको विदेश आने में भी वो हेल्प होती हैं। इसीलिए आपके आस पड़ोस के आप नज़रें घुमा के देख लीजिए, जितने भी केरला के लोग थे सब अपने अपने तरीके से इंडिया आ गए, लेकिन आप वहीं के वहीं बैठे हो। चौथे नंबर पॉइंट पे बात करूँगा साथियों, एम्बेसी की बात कर लेते हैं, हालांकि ये बात करनी नहीं चाहिए लेकिन मैं खुला बोल रहा हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, इंडियन एम्बेसी में 70% स्टाफ केरला का है। इस बात को, ये कड़वी सच्चाई है, आपको माननी पड़ेगी। बहुत सारे मेरे पास मैसेज आते हैं, वीडियोज आते हैं, सर केरला स्टाफ है हमारी हेल्प नहीं करता। इंपॉर्टेंस वो किसको देंगे, उनको, ठीक है, उनकी पूरा सपोर्ट करेंगे, हालांकि सपोर्ट आपका भी करते हैं, हम ये नहीं बोलते आपका सपोर्ट नहीं करते, लेकिन अपने तो अपने होते हैं। सनी देओल की फिल्म देख लेना भाई, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ये भी एक कड़वी सच्चाई है। तो साथियों मैंने ये बातें बता दी, इसी वजह से सबसे ज़्यादा केरला में सरकार फ्लाइटें जा रही हैं। और आपको याद होगा वंदे भारत मिशन स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले केरला सरकार ने शुरुआत करी, उसी ने वो ऑनलाइन फॉर्म रजिस्टर्ड करवाए और एक दिन में आपने सुना होगा 40,000 फॉर्म रजिस्टर्ड हुए थे सिर्फ सरकार ने।
उसको देख के फिर और सरकारों ने उनको फॉलो किया, आप समझ सकते हैं। तो आप भाई वो फॉलो करेंगे तो फिर वो उसी तरीके से उनको चलना पड़ेगा। तो सरकार सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है, वोटिंग बहुत ज़्यादा है उनका, एजुकेशन ज़्यादा है, 70% स्टाफ उनका है, बहुत लंबे साल से वो रह रहे हैं, बस ये रीज़न है साथियों। इसी वजह से सबसे ज़्यादा भाई फ्लाइटें उधर जा रही हैं। ये जो 5 पॉइंट बता रहे हैं इनको कोई काट नहीं सकता, ये भी मैं चैलेंज आप लोगों के साथ कर रहा हूँ। ठीक है साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें ताकि विदेश से रिलेटेड से इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। जय हिंद, वंदे।